साथियों, आप सबका स्वागत है और हमारे लिए खुशी की बात है कि आपने देश को उत्साह से भी और उत्सव से भर दिया और देशवासियों के सारी आशा अपेक्षाओं को आपने जीत लिया है। मेरी तरफ से बहुत बहुत बधाई आपको। आमतौर पर मैं देर रात तक तब काम करता रहता हूँ, तो लेकिन इस बार मैं टीवी भी चल रहा था, भाई भी चल रही थी, आपके इतनी दिन बना था भाई में। लेकिन आप लोगों ने शानदार टीम स्पिरिट को भी दिखाया है, टैलेंट को भी दिखाया है और पेशेंस नजर आ रहा था। मैं देख रहा था संस्था से हड़बड़ी रही थी, बड़ा आत्मविश्वास से भरा हुआ लोगों का। तो मेरे तरफ से आपको बहुत बहुत बधाई है साथी। पहले तो मैं शुक्रिया कहना चाहता हूँ आपका कि आपने हमें मौका दिया आपको आपके साथ मिलने का। और आपने जब हम नवंबर में अहमदाबाद में हम वो मैच हारे थे तो वहाँ पे भी आप आए थे जब हमारा थोड़ा समय इतना अच्छा नहीं था, तो हमें बहुत खुशी हुई कि आज हम आपको इस खुशी के मौके पे भी मिल सकते हैं। मैं सिर्फ ये कहूँगा कि जो रोहित और इन सब लड़कों ने जो फाइटिंग स्पिरिट दिखाई है, जो नेवर से डाई एटीट्यूड दिखाई है, बहुत मैचेस में फाइनल में जाके भी वो बहुत मतलब इन लड़कों का बहुत क्रेडिट है इसमें। बहुत मेहनत की है इन लड़कों ने। बड़ी खुशी की बात है कि जो इन लड़कों ने इंस्पायर किया है, जो यंग जनरेशन आएगी, ये लड़के भी इंस्पायर हुए हैं। 2011 का जो विक्ट्री थी उसको देख के बड़े हुए हैं काफ़ी ये लड़के। तो अभी इन लड़कों ने ये परफॉर्मेंस देख के आई एम श्योर लड़के लड़कियाँ हमारे देश में इन लोगों को हर स्पोर्ट्स में बहुत इंस्पायर किए। तो हम पहले शुक्रिया देना चाहते हैं आपका और मैं सिर्फ इन लड़कों को कॉन्ग्रेचुलेट करना चाहता हूँ। बधाई तो आप लोगों को है, देश के नौजवानों को आप बहुत कुछ आगे दे सकते हैं। विक्ट्री तो दे दिए हैं लेकिन आप उनको बहुत इंस्पायर कर सकते हैं। हर छोटी छोटी चीज में आप देश के लोगों को गाइड कर सकते हैं। अपने आप में एक आपके पास एक अथॉरिटी है ना, चाहे क्यों सीरियस है मैंने सही पकड़ा है ना। हरियाणा का कोई भी व्यक्ति हो वो हर हालत में खुश रहता है, वो हर चीज में खुशी ढूंढता है। रोहित, मैं इस पल के पीछे आपका मन को जानना चाहता हूँ। कोई भी हो, मिट्टी कहीं की भी हो, लेकिन क्रिकेट का जिंदगी ही पीछे पे होती है और आपने क्रिकेट की जो जिंदगी है उसको चूमा, ये वो हिंदुस्तानी ही कर सकता है। जहाँ पर हमें वो विक्ट्री मिली उसका मुझे बस एक पल जो था वो हमेशा याद रखना था और वो चखना था बस, क्योंकि उस पिच पर हम खेल के उस पिच पर जीते, क्योंकि हमने सब लोगों ने उस चीज़ का इतना वेट किया, इतना मेहनत किया। बहुत बार हमारे पास बिल्कुल पास में आया था वर्ल्ड कप बट हम आगे नहीं जा सके, लेकिन इस बार सब लोगों की वजह से हम उस चीज़ को हासिल कर सके। तो वो पिच मेरे लिए बहुत मतलब ये था कि उस पिच पे हमने वो जो भी हमने किया उस पिच पे किया, तो इसलिए वो बस उस मोमेंट पे वो हो गया मेरे से। हम लोगों ने पूरे टीम ने इस चीज़ के लिए इतना मेहनत किया था और वो मेहनत हमारी रंग लाई उस दिन। हर देशवासी ने माफ किया होगा लेकिन रोहित, मैंने दो एक्सट्रीम चीज़ें देखी इसमें, मुझे इमोशंस नजर आ रहा था और जब तुम ट्रॉफी लेने जा रहे थे
जो नृत्य होता है